मैया के लकड़ा बग्गो और पापा की पोलो को मेरा सब नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पांचवा लेक्चर अबाउट अपने एंड्रोशियम्स और गाइनोशियम्स के बारे में। एंड्रोशियम्स गाइनोशियम्स और उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में। तो एंड्रोशियम यानी अपना मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, एंड्रोशियम क्या रहता है, एंड्रोशियम रहता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, है ना जी। तो एंड्रोशियम जो रहता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव वॉल रहता है। इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन, ये स्टेमन से बना हुआ रहता है। स्टेमन यानी ये पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है इसको स्टेमन कहते हैं, जिसमें जो ऊपरी बायलोब्ड एंथर रहता है और जो डंडे जैसा स्ट्रक्चर रहता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, वो उसका फिलामेंट रहता है। किस तरह से रहता है वो आपका जो होता है ये पूरे के पूरे स्टेमन से बना हुआ रहता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्टेमन है जिसके ऊपर एक एंथर रहती है जो बायलोब्ड रहती है और उसकी ये थिन सिलेंडर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसको आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप फिलामेंट कहते हैं, जिसको आप फिलामेंट कहते हैं। सो इट इज फिलामेंटस, फिलामेंट विच इज अ डंडी जैसा स्ट्रक्चर एंथर जो बायलोब रहता है और जिसमें एक लोब में दो पोलन सैक रहते हैं। तो कितने पोलन सैक हो गए पूरे के पूरे एंथर में, अगर एक लोब में दो पोलन सैक तो दो लोब में कितने हुए भैया, बहुत ही सिंपल गणित हो गया, चार लोब हो गए आपके, चार पोलन सैक हो गए। तो टोटल एंथर के अंदर, एक एंथर के अंदर चार पोलन सैक रहते हैं जिसमें हजारों पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं, जिसमें हजारों पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं। इसके बारे में जो डिटेल आपको लेक्चर है वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर रहेगा, है ना जी, जिसमें एक दो लेक्चर तो इसको प्योरली डेडिकेटेड रहेगा एंड्रोशियम्स के ऊपर। फिर अगला आता है कि भैया व्हाट इज अ स्टेमिनेट, अ स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनेट विच कैन नॉट प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन, यानी एक नपुंसक, एक इनफर्टाइल पोस्ट स्टेमन रहा जो आपका पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको अपन इनफर्टाइल पोलन स्टेमन या स्टेराइल स्टेमन कहते हैं, है ना जी। फिर उसके बाद आपका वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट किसमें देखा जाता है, मस्टर्ड और सेल्विया, मस्टर्ड और सेल्विया में लेंथ ऑफ फिलामेंट में वेरिएशन देखे जाते हैं कि कभी वो छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा छोटा हो सकता है, कभी मंझले साइज का हो सकता है। तो मस्टर्ड और सेल्विया एम एस में आप क्या कर सकते हैं, वेरिएशन देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट में वेरिएशन कौन दिखाते हैं, हमारे एम एस धोनी सर, तो वही अपने फ्लावर के स्टेमन के साइज में कौन वेरिएशन दिखाते हैं, हमारे एम एस यानी मस्टर्ड और सेल्वेनिया। तो अपन ने क्या क्या देख लिया भैया, एंड्रोशियम का देख लिया कि इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन, स्टेमन यानी वो पूरा स्ट्रक्चर जिसको अपन उसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन स्टेमन कहते हैं, ये अपन ने देख लिया था, है ना। फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये इसका एंथर रहता है, एंथर जो रहता है कभी भी देखिए वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर रहता है, वो कभी भी बायलोब्ड स्ट्रक्चर रहता है। फिर उसके बाद आपके हर एक लोब में दो चेंबर रहते हैं, पोलन आपके दो पोलन सैक रहते हैं, दो चेंबर यानी दो पोलन सैक रहते हैं। तो टोटल एक एंथर में चार पोलन सैक रहेगी जो हजारों पोलन ग्रेन को स्टोर करता है। स्टेमिनेड, स्टेमिनेड किसको कहेंगे, स्टेमिनेड आपके स्टेराइल, आपके स्टेराइल स्टेमन को कहेंगे जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इस तरह से हमने एंड्रोशियम की बेसिक्स को जान लिया, अब अपन उसके मॉडिफिकेशंस की तरफ चलते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं अपन, अब इसके बारे में देखते हैं स्टेमन के बारे में, है ना जी। तो स्टेमन के और अपने को मॉडिफिकेशंस देखने के, अभी तो स्टेमन के मॉडिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से रहेंगे भाई, स्टेमन का मॉडिफिकेशन जो था ऑन द बेसिस ऑफ एक फूल पे नंबर ऑफ स्टेमन कितने थे, एक फूल में नंबर ऑफ स्टेमन उस एज इन एक यूनिट कितने थे, मतलब कभी भी ये देखिए एक फूल पे एक स्टेमन तो नहीं होगा ना, एक फूल पे एक से ज्यादा स्टेमन होंगे ना, तो उसके एक यूनिट में कितने, मतलब एक सिंगल यूनिट है, डबल यूनिट है, या एक दो से ज्यादा यूनिट है, उस प्रकार से अपन अब देखेंगे उसका, अपन क्लासिफिकेशन उस प्रकार से करेंगे। तो अगर अपन देखें कि स्टेमन के अंदर तीन प्रकार के वो रहते हैं, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीडेल्फस, यानी स्टेमन के अंदर मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस का रहने का मतलब उसके यूनिट कितने हैं, डेल्फस यानी यूनिट, तो नंबर ऑफ स्टेमन यूनिट कितने रहेंगे स्टेमन के, समझ लीजिए इस बात को कि अगर ये फूल है, हरा कलर का फूल नहीं बनाते, थोड़ा सा पिंक ले लेते, पिंकी पिंक, यस ओके, फूल कुछ इस प्रकार से है, तो अब इसके अंदर स्टेमन जो है एक ही यूनिट है, है ना जी। दूसरा स्टेमन जो है या एक और सेम फूल अलग फूल में जैसे दो यूनिट है, या ऐसे तीन यूनिट है, या ऐसे
चार यूनिट है स्टेमन्स के। तो एक यूनिट रहा, अगर समझ लीजिए एक यूनिट रहा तो इसको मोनोडेल्फस बोलते, दो यूनिट रहे तो डाइडेल्फस बोलते, दो से ज्यादा रहे तो पॉलीडेल्फस बोलते, है ना जी, या चार भी रहा तो पॉलीडेल्फस बोलते। अब तक अपने को एनसीईआरटी में इतना ही है, है ना जी। तो व्हेन द स्टेमन फ्यूज, व्हेन द स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट इट इज नोन एज मोनोडेल्फस। यानी जब सारे स्टेमन्स एक साथ एक सिंगल यूनिट में फ्यूज होके एक साथ एक सिंगल यूनिट में फ्यूज हो जाए तो उसे मोनोडेल्फस कहते हैं। एक ही सिंगल यूनिट में फ्यूज होने को स्टेमन के उसको मोनोडेल्फस कहा जाता है। एग्जाम्पल चाइना रोज, चाइना रोज के अंदर अपन देखे तो स्टेमन जो होते एक सिंगल यूनिट में फ्यूज हो जाते है, एक सिंगल यूनिट में फ्यूज हो जाते है। डाइडेल्फस यानी ऑल द स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म अ टू यूनिट, यानी सारे के सारे स्टेमन एक साथ संगठित हो जाते हैं, दो यूनिट बनाते हैं, उनके दो गुट बन जाते हैं। एक स्टेमन का एक गुट रहेगा, दूसरा गुट रहेगा स्टेमन का, यानी दो गुट रहेंगे स्टेमन्स के, है ना। ये किस में देखा जाता है, ये आपके मटर की फली यानी पी में देखा जाता है। पॉलीडेल्फस यानी जब स्टेमन आपके तीन स्टेमन तीन से ज्यादा यूनिट बना लेते हैं, व्हेन द स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म थ्री और मोर देन थ्री यूनिट उसको अपन पॉलीडेल्फस कहते हैं। एग्जाम्पल एट्रस, इस तरह से कुछ रहता है वो, है ना जी। तो मोनोडेल्फस का एग्जाम्पल था आपका, मोनोडेल्फस का एग्जाम्पल था आपका चाइना रोज, फिर डायडेल्फस का था आपका आपका पी, और आपके पॉलीडेल्फस का था आपका एट्रस, पॉलीडेल्फस का था आपका एट्रस, एम थ्री डी पी ए, है ना जी। तो मोनोडेल्फस का एग्जाम्पल था चाइना रोज, पॉलीडेल्फस का एग्जाम्पल था एट्रस, और डायडेल्फस का एग्जाम्पल था पी। डायडेल्फस, अब इसमें आपको नाम से ही पता चल जाएगा, मोनो यानी सिंगल यूनिट, स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट। डायडेल्फस से आपको नाम से ही पता चला डाई यानी दो, तो दो आपके स्टेमन जो होते हैं दो यूनिट बना लेते हैं। दो स्टेमन नहीं रहते, आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में चुकाएंगे ये दो स्टेमन बोल के, लेकिन दो स्टेमन नहीं, दो यूनिट, यूनिट शब्द, यूनिट मतलब आपके समझ लीजिए एक साथ आपके पास 10 स्टेमन है पूरे फ्लावर में, तो आपके पांच पांच के दो यूनिट बन गए, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया पांच पांच के दो यूनिट बनना, उसको आप कहते हैं डायडेल्फस स्टेमन, उसको आप डायडेल्फस स्टेमन के प्रकार में रखेंगे। या अगर पांच पांच अगर 10 स्टेमन है तो और उसके कितने अगर समझो 12 स्टेमन है तो उसके मेरे चार चार के तीन यूनिट बन गए, तो मैं क्या करूँ पॉलीडेल्फस स्टेमन बोलूंगा, है कि नहीं। समझ इस बात को, आई होप मैं ये कंसेप्ट आपको समझा पा रहा हूं। अब स्टेमन के उसके पेटल सेपल के साथ फ्यूजन के बेसिस पे अपन देखते हैं कि वो कैसे रहते हैं। स्टेमन अगर आपका पेटल के साथ फ्यूज हो जाए तो उसे एपिपेटलस कहेंगे। इफ द स्टेमन इज फ्यूज विद द पेटल इट इज नोन एज एपिपेटलस। सीन कहा में कहा देखा जाता है, ब्रिंजल में, आपके बैंगन के फूलों में आपका जो स्टेमन रहता है वो पेटल के साथ फ्यूज हो जाता है, लेकिन सेपल यानी आपकी जो ये जो रहते हैं क्या बोलते हैं सेपल जो आते हैं आपकी कैलिक्स जो रहती है उसके साथ अगर आपका आपका स्टेमन फ्यूज हो जाए तो उसे आप एपिफाइलस कहते हैं। एपिपेटालस आपको पेटल से ही समझ आ जाएगा, और दूसरा तो एपिफाइलस आपको समझ आ ही जाना चाहिए क्योंकि दूसरा तो एपिफाइलस, तो भैया सेपल और फाइलस में भैया आप कर सकते हैं ना, तो पेटल और पेटल एंड सेपल, पेटल एंड आपके पेटल और पेटालस से आप एक लिंक लगा सकते हैं, और जो बच गया वो सेपल का रहेगा, है कि नहीं। आप लॉजिक समझिए ना, लॉजिक लगाना सीखिए भैया, नीट का खेल सब लॉजिक का ही खेल रहता है। एग्जांपल क्या है एपिफाइलस का, लिली। फोटोज देख लेते हैं, इमेजेस देख लेते हैं। हाँ, मोनोडेल्फस किस तरह से रहते हैं, मोनोडेल्फस में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेमन की एक सिंगल यूनिट है, मतलब ये सारे के सारे एक ही यूनिट में है, ये सारे के सारे एक ही यूनिट में है। फिर उसके बाद डायडेल्फस में क्या होता है, डायडेल्फस में ये एक यूनिट ऐसा, ये दूसरा यूनिट ऐसा, ये दो यूनिट में आ गए, या सिंगल एक यूनिट था। पॉलीडेल्फस में क्या, यहाँ पे ये चार यूनिट है स्टेमन्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार यूनिट है, चार तीन से तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, उनसे भी ज्यादा हो सकते हैं, इसको पॉलीडेल्फस में डालते हैं अपन। पॉलीएंड्रस अपने को तो अभी, हाँ पॉलीएंड्रस भी, पॉलीएंड्रस आपके इसका दूसरा नाम है किसका, यहाँ पे अपन ने देखा था ना वेरिएशन इन द लेंथ एंड साइज ऑफ फिलामेंट इज नो सीन इन मस्टर्ड एंड सैलविया। तो पॉलीएंड्रस क्या रहता है, व्हेन वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट इज नोन एज पॉलीएंड्रस, है ना जी। आप देख सकते हैं इसमें कि फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन है, ये छोटा है, ये मिड साइज है, ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे थोड़ा
थोड़ा बड़ा है और ये उससे भी छोटा है। तो आप देख सकते हैं फिलामेंट की साइज में आपका वेरिएशन है। एग्जाम्पल क्या थे इसके, एग्जाम्पल थे अपने मस्टर्ड और सेल्वेनिया। सेल्वेनिया सिला जिलेला नीट के बायो का बायो क्लासिफिकेशन में प्रश्न आया था, तो भाई सेल्वेनिया इंपॉर्टेंट प्लांट है, नेम है फ्लावर में का, मतलब ये साल भी आपको सेल्वेनिया के बेसिस पे आपको 24 में ये पूछ सकते हैं मस्टर्ड सेल्वेनिया के एग्जांपल। जैसे पिछले साल हमने बताया था कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उन्होंने सिला जिलेला सेल्वेनिया पूछा था, राइट। अब एपिपटेरस एपी आपका कैसा रहता है आपका बता देते हैं। जब आपका सेपल पेटल फ्यूजन किस तरह से रहता है, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, है ना। तो उसको देखने से पहले अपन एक बात देख लेते पॉलीपेटालस और गैमोसेपैलस के बारे में। गैमोसेपैलस पॉलीपेटालस गैमोसेपैलस गैमोपेटालस, यानी पॉली गैमो का शब्द समझते कि गैमो शब्द क्या चीज रहती है। तो गैमो यानी आपका सिंगल यूनाइटेड, और आपका जो पॉली रहता है वो रहता है पॉली मतलब मेनी। तो गैमोसेपैलस का मतलब क्या रहेगा, जहां पे सेपल, जहां पर सेपल आपका एक ही है, जहां पर सेपल आपका एक ही है उसको गैमोसेपैलस कहते हैं। पॉलीपेटालस यानी पॉलीपेटालस यानी जहां पे पेटल्स जो है बहुत सारे है, जब उसको पॉलीपेटालस कहते हैं। तो बहुत सारे पेटल्स को एक साथ जोड़ने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा एक एक सिंगल सेपैलस। आप इसको कंसेप्चुअली आप इमेजिन, आप जरा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप इसको विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको ये कंसेप्ट समझेगा नहीं, कि समझिए बहुत सारे पेटल्स है उसे एक साथ जोड़ने के लिए आपको एक क्या लगेगा, आपको आपको लगेगा एक सिंगल सेपल। वो वैसी ही बात हो गई कि आपके पास बहुत सारे पेन है, बहुत सारे पेंसिल्स है, बहुत सारे कलर पेंसिल्स है, ब्रशेस है। आपकी आर्ट की क्लास में पहले बच्चों को टेंथ तक होती थी, अब तो कहा का आर्ट और कहा की सिंगिंग, लेकिन उस जमाने में आप देखते होगे कि भैया इन सबको रखने के लिए पेंसिल होल्डर रहता था, एक आपका कैसा एक वो रहता था, एक कैसा पेंसिल होल्डर जिसमें इस तरह से कुछ रहता था, वो है ना जी, इस तरह से कुछ रहता था और इसके अंदर सब ऐसी पेंसिल पेन पेंसिल पेन सब रहती थी। तो ये कैसा है कि पॉलीपेटालस पर गैमोसेपैलस, यानी पेंसिल होल्डर तो एक ही था लेकिन अब अपने पास जो पेंसिल थी वो बहुत सारी थी। ये कॉन्सेप्ट इसका हो गया कि अगर पॉलीपेटालस हुआ तो गैमोसेपैलस रहेगा। अब वैसा वर्सा कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब गैमोपेटालस रहा तो पॉलीसेपैलस रहेगा, गैमोपेटालस रहा तो आपका पॉलीसेपैलस लगेगा। नाम नाम में कंफ्यूजन ना करें, गैमोसेपैलस रहा तो पॉलीपेटालस रहेगा, गैमोपेटालस रहा तो पॉलीसेपैलस रहेगा, है ना जी। तो अब इसमें बताता हूं कि गैमोपेटालस में क्या होगा। गैमोपेटालस यानी एक सिंगल पेटल, फ्यूज्ड यूनाइटेड, सारे पेटल्स एक दूसरे से यूनाइटेड होकर सिंगल यूनिट बनाते हैं। तो उनकी प्रॉपर एंकरेज करने हेतु, उनको प्रॉपर हर साइड से एंकरिंग करने हेतु आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा आपको पॉलीपेटालस लगेगी। ये देखिए एक पेटल, ये आपका दो पेटल्स, एक सेपल, दो सेपल, तीन सेपल, या से चार या पांच पीछे या छह, है ना जी, इस तरह से होगा जी आपका। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ही पेटल को सब एक साथ पकड़ रहे है, एक ही पेटल को सब एक साथ पकड़ रहे है, वो यूनाइटेड पेटल है वो, है ना जी, एक साथ पकड़ रहे उसको, है ना जी। इसको गैमोपेटालस कहते हैं जब उसका पॉलीसेपैलस उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन जब गैमोसेपैलस रहता है तो पॉलीपेटालस उसको वो पकड़ता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर थ्रू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट गैमोपेटालस पॉलीसेपैलस पॉलीपेटालस गैमोसेपैलस ये आपको मैं समझा पाया हूँ। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पर अपन देखेंगे कि एपिपेटालस और एपिफाइलस कैसा रहता है। कि भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिपेटालस क्या चीज थी, कि भैया एपिपेटालस यहाँ पे फ्यूज विद पेटल्स थी, यानी जो पेटल स्टिग्मा स्टाइल पूरा जो आपका स्टिग्मा स्टाइल जो स्टिग्मा आपके जो स्टिग्मा
फिलामेंट जो थे वो अभी आपके आपके जितने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वो तो आपका फीमेल में आ गया, लेकिन जो आपका स्टेमन जो था वो आपका पेटल्स के अंदर ही फ्यूज हो गया, पेटल के अंदर ही फ्यूज हो गया। तो पेटल के अंदर फ्यूज होने के कारण क्या होगा, पेटल के अंदर फ्यूज होने के कारण वो एपिपेटलस बन जाएगा। आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि भैया ये पेटल्स के अंदर आपका ये क्या है, आपका ये एपिपेटलस स्टेमन है, यानी पेटल के अंदर फ्यूज हुआ हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे सेपल्स की जगह से ये आ रहे हैं, क्लियरली दिखेंगे नहीं लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेपल्स के इसमें से आ रहे हैं यहाँ से, है ना जी। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप एपिफाइलस पेट आपके एपिफाइलस स्टेमन कह सकते हैं, यानी द वन विच इज फ्यूज विद द सेपल्स इज नोन एज एपिफाइलस स्टेमन। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर थ्रू दिस डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल प्लांट्स में का, फ्लावरिंग प्लांट्स में का, दैट इज अ गायनोशियम। गायनोशियम जो होता है वो आपका प्लांट्स का फीमेल वॉल रहता है, वो जो होता है कार्पल्स से बना हुआ होता है। कार्पल्स यानी आपका ये कार्पल्स जो होते हैं, कार्पल का क्या मतलब रहता है कि भाई एक सेकंड मैं आपको बता दूं कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये सारा अपन ने मिला के एक स्ट्रक्चर बोले तो इसको अपन क्या कहते हैं, कार्पल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम कार्पल बोलते हैं। दैट इज इट इज मेड अप ऑफ कार्पल, यानी गायनोशियम में जो कार्पल होते हैं यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इन सबको कंस्टिट्यूट होकर ये गायनोशियम पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एंड्रोशियम में क्या था, आपका स्टेमन था जिसमें आपके बायलोब डेंटर और फिलामेंट थे, तो वो पूरा स्टेमन और आपका कार्पल यानी आपका स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी सारा मिला के। ओवरी क्या थी, ओवरी आपके प्लांट्स के अपने फ्लावर्स में की एनलार्ज्ड बेसल पार्ट कनेक्टेड टू द स्टाइल, इट इज एन एनलार्ज्ड बेसल पार्ट कनेक्टेड टू द स्टाइल। ओवरी इज द एनलार्ज यानी फूगा हुआ बड़ा बेसल पार्ट यानी निचल यानी बेस पे रहने वाला जो स्टाइल से कनेक्टेड है, जो ऊपर स्टाइल से कनेक्टेड है। यानी समझ लीजिए स्ट्रक्चर को मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि समझ लीजिए आपका ये आपका एनलार्ज यानी इस तरह से एनलार्ज रहता है, बेसल रहता है यानी फूल के, अगर समझ लीजिए फूल कुछ इस प्रकार से है, आपका पुष्प कुछ इस प्रकार से है, पुष्प कुछ इस प्रकार से है, तो ये जो एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, ये जो पार्ट है ये एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, ये आपका ओवरी रहेगा और ये ऊपरी हिस्से पे ये क्या रहता है, ये स्टाइल से कनेक्टेड है। तो ये जो मैं सिलेंडर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये आपका इसका स्टाइल रहेगा और ऊपर ये आपका स्टिग्मा रहेगा, ऊपर ये आपका स्टिग्मा रहेगा और ये आपका एनलार्ज बेसल आपकी ओवरी, ये स्टाइल और ये एनलार्ज ऊपर ये स्टिग्मा, ये हो गया आपका पूरा का पूरा कार्पल, है ना जी, ये पूरा का पूरा कार्पल। तो स्टाइल में क्या क्या आता है, इट इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द स्टिग्मा एंड ओवरी। इस स्टिग्मा को आपके फ्लावर की ओवरी से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर हमारा स्टाइल रहता है, हमारा स्टाइल रहता है। बड़े स्टाइल से वो उन दोनों स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है, बड़े ही स्टाइल से वो दोनों स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, इसलिए उसका नाम स्टाइल है। असली रीजन नहीं है ये, इसको लिख मत लेना नहीं तो बोलेंगे सर ने ये रीजन बोला, है ना जी, इस प्रकार से। ओके, तो अपना स्टाइल भी हो गया, दैट इज द फिलामेंट स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड ओवरी, दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड ओवरी। एनलार्ज बेसल पार्ट कनेक्टिंग द कनेक्टेड टू द स्टाइल था अपना ओवरी, स्टाइल अपना फिलामेंट स्ट्रक्चर तो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता हो। स्टिग्मा इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर द रिसेप्शन ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन को कलेक्ट करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग कहते थे भैया वो है आपका स्टिग्मा, यानी समझ दीजिए इस बात को, पोलन ग्रेन कुछ इस प्रकार से था। पोलन ग्रेन कुछ इस प्रकार से था, है ना जी, पोलन ग्रेन, सॉरी पोलन ग्रेन को स्टोर करने वाले एंथर और फिलामेंट यानी पूरा स्टेमन कुछ इस प्रकार से था। इसके अंदर ऐसे हजारों पोलन सैक्स के अंदर आपके पोलन ग्रेन स्टोर थे, जब ये पोलन सैक दहिसंस की वजह से सब बर्स्ट होगा तो ये पोलन ग्रेन ऐसे आपके रिलीज हो गए, आपके ऐसे रिलीज हो गए। हाँ, अगर ये क्या होता है, ये अब जरूरी नहीं है कि भैया ये यही वाले पोलन ग्रेन यहाँ तक जाए, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो
हमेशा मतलब अपन कोशिश करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में इसको अवॉइड करने के लिए। तो अगर दूसरे प्लांट में से ये पोलन ग्रेन आए, या तो ये आपके कीड़ों की मदद से आ सकते हैं, पानी की मदद से आ सकते हैं, विंड की मदद से आ सकते हैं, आ गए, चलो समझ लो आ गए, किसी भी तरह से आ गए माध्यम से। तो अब ये ऐसे 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 अब ये रिसेप्ट करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए आपका आपके कौन काम आएंगे, आपके स्टिग्मा काम आएंगे। स्टिग्मा इज द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए जो टर्मिनल बना है उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। समझ लीजिए अगर आप बहुत ही बॉम्बे टू दिल्ली आपने फ्लाइट पकड़ी, तो फ्लाइट पकड़ने के बाद आप लोगों की फ्लाइट लैंड होने के लिए एक रनवे लगेगा ना, एक फ्लाइट लैंड होने को रनवे लगेगा, तो फ्लाइट को लैंड होने के लिए रनवे जो है आपको स्टिग्मा प्रोवाइड करता है। पोलन ग्रेन रूपी फ्लाइट को लैंड होने के लिए रनवे आपका स्टिग्मा प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ओव्यूल रहता है और प्लेसेंटा रहता है। ओव्यूल यानी आपके ओवरी के अंदर जिसमें एग रहता है वो स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहते हैं, और प्लेसेंटा आपका जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको अपन प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये ओव्यूल और प्लेसेंटा के बारे में मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर अगर फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल रहे तो, अगर फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल रहे तो क्या होता है, फ्री फ्यूज्ड अगर फ्री कार्पल रहा तो अपोकार्पस रहेगा। यानी समझ लीजिए इस बात को, अब जरूरी नहीं है किसी भी फ्लावर के अंदर एक सिंगल कार्पल रहे, जरूरी नहीं है किसी भी फ्लावर के अंदर एक सिंगल कार्पल रहे, उसके अंदर दो से ज्यादा कार्पल भी रह सकते हैं, उसके अंदर दो से ज्यादा कार्पल भी रह सकते हैं, एक से ज्यादा कार्पल भी रह सकते हैं। तो वो ऐसा हो सकता है कि या तो वो इस तरह से फ्री रहे या वो इस तरह से फ्यूज रहे, है ना जी। तो वो जब फ्यूज रहते हैं तो उसे हम सिनकार्पस कहते हैं, और वो जब फ्री रहते हैं उन्हें अपोकार्पस कहते हैं। तो फ्यूज रहते हैं सिनकार्पस, और अपो फ्री रहते तो फ्यूज रहते तो आपका फ्री रहते हो अपोकार्पस, फ्यूज रहते तो सिनकार्पस, फ्री रहते तो अपोकार्पस, फ्यूज रहते तो सिनकार्पस। सिन क्योंकि फ्यूज जो शब्द है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सॉरी रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म, जो चैप्टर है 12वीं का, जो रिपीटेड 12वीं के बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे तो उनको सब पता होगा कि सिनगैमी यानी एक तरह का फ्यूजन का प्रकार रहता है, जिसमें अपन आपका क्या होता है, एक फ्यूजन होता है। तो सिन यानी शब्द से आपको याद आना चाहिए फ्यूजन, यानी फ्यूज जब आपके कार्पल्स आपके फ्यूज रहे तो उसे सिनकार्पस कहते हैं, लेकिन जब आपके कार्पस जो रहे वो आपके इंडिपेंडेंट रहे, फ्री रहे, तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं, उन्हें हम एपोकार्पस कहते हैं। एग्जांपल लोटस रोज, और सिनकार्पस यानी उसके एग्जांपल मस्टर्ड टोमेटो। आई होप आई मेक माय सेल्फ वेरी क्लियर। अब इसके डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिए। तो अगले साइड पे इसकी इमेज देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, एपोकार्पस यानी इंडिपेंडेंट कार्पल। मैं इसमें आपको आपको कलर के माध्यम से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से रहेगा ये, ये देखिए रेड कलर रहता है, डार्क कलर कुछ मैरून दिख रहा है। ये देखिए, ये आपका एक आपका ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया इसका स्टाइल, यहाँ हो गई इसकी कुछ इस तरह से ओवरी, यहाँ हो गई इसकी कुछ ओवरी। फिर एक और मैं लेता हूँ ये वाला एक स्टिग्मा, ये स्टाइल, यहाँ ओवरी, ये स्टाइल, यहाँ स्टिग्मा, यहाँ उसकी ओवरी। तो आप एपोकार्पस में देख सकते हैं कि भैया एक से ज्यादा, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप एक से ज्यादा कई सारे यहाँ पे आपको आपको पूरा कार्पल्स दिख रहे होगी, यानी फ्री कार्पल है, एक इंडिपेंडेंट कार्पल है, यूनाइटेड नहीं है, साथ जुड़े नहीं है। तो एपोकार्पस में क्या होता है, द कार्पल इज फ्री, इट इज नॉट यूनाइटेड। बट वेर एज इफ यू सी सिनकार्पस में, ये देख सकते एक सिंगल ओवरी है, एक सिंगल ओवरी है, और इसके अंदर से बहुत सारे आपके कार्पल्स जो है, आपके जो स्टाइल और स्टिग्मास है वो सब यूनाइटेड है, कई सारे स्टाइल्स और स्टिग्मा आपके यहाँ यूनाइटेड है, और यहाँ पे एक सिंगल ओवरी के अंदर, सिंगल ओवरी में यूनाइटेड है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओवरी है, और इसके हर एक ओवरी के, हर एक स्टाइल सिग्मा के ये ओव्यूल्स है, हर एक स्टाइल सिग्मा के ये ओव्यूल्स, देखिए इसमें से ऐसे ये स्टाइल सिग्मा निकलते हो गए, इसमें से इस तरह से ये स्टाइल सिग्मा निकलते हो गए, राइट, इस तरह से। इस तरह से राइट, तो उस जिसे जोकर की कैप रहती है ना,
मतलब कुछ इस तरह से, तो वो उस तरह से सिनकार्पस रहता है। एक कैप का कॉमन बेस रहता है, देखिए उसमें से बहुत सारे से वो पम्प बॉल से टाइप के कुछ निकलता है राइट, तो वैसे ये सिनकार्पस भी वैसा ही रहता है। और आपका एपोकार्पस कैसे रहता है, सिंगल ओवरी, सिंगल स्टिग्मा, सिंगल स्टाइल, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, यूनाइटेड नहीं रहते हैं। आई होप मैंने आपको सिनकार्पस एपोकार्पस का कंसेप्ट इमेज के सहित बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। एपोकार्पस का क्या एग्जाम्पल था, एपोकार्पस का एग्जाम्पल अपन ने देखा लोटस और रोज, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या था, मस्टर्ड और टोबैको, टोमेटो, टोबैको, टोमेटो, लोटस और रोज। आप रोज का पत्ता तो देख ही सकते हैं, रोज का फूल लीजिए, अच्छा जो आपका आपके गावरान जो आपका देसी गुलाब जो आता है जो बाजारों में मिलता है, वो आपका फूलों की फ्लावरिस्ट के पास वो वाला नहीं, जो आपके घरों में उगता है, जो खेतों में उगता है। गाँव में अगर आप टाउन या टीयर थ्री टी थ्री वाले सिटी में रहते हैं या आप टाउन में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो आपको गुलाब जो देसी गुलाब है उसमें दिखता होगा, क्योंकि सिटी वाले गुलाब में ये क्या करते हैं, इसकी थोड़ी वैरायटी कम रहती है, तो आप जब उसको तोड़ते हैं तो आपको एक थोड़ा येलो येलो स्ट्रक्चर दिखता होगा, तो वो कैसा रहता है, वो उसके अंदर थोड़ा सा झाँक के देखेंगे तो आपको दिखेगा, जूम करके देखेंगे अच्छे से तो वो दिखेगा आपको, है ना जी। ओके, तो और इसका एग्जाम्पल क्या था अपना, इसका मस्टर्ड और आपका सिनकार्पस के, सिनकार्पस का एग्जाम्पल था मस्टर्ड और आपके टोमेटोस राइट। तो ये अपन ने कर लिया मस्टर्ड और टोमेटो। ओके, सो आई होप अपन ने यहाँ पे ये क्लियर कर लिया है। अगले कंसेप्ट पे चलते, दैट इज अबाउट द ओवरी की प्लेसमेंट, ओवरी। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस के बारे में। तो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस, यानी समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन सब दूर कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। हाइपोगाइनस, गाइनस यानी उसका ओवरी, ओवरी की प्लेसमेंट, है ना जी। गायना, गायनेक, गायनेकोलॉजिस्ट, गायना, ये सबसे वही ओवरी से रिलेटेड चीज रहती है ना। तो गायनोस यानी आपकी ओवरी की पोजीशन, प्लेसमेंट। तो हाइपो यानी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर किस से सुपीरियर, आपके सेपल से सुपीरियर, आपके कैलिक्स से सुपीरियर, नॉट सुपीरियर विद द पेटल्स। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पेटल्स के आप कभी ये अलाइनमेंट मैच नहीं कर पाएंगे। बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को, ये कैलिक्स करोला दोनों से सुपीरियर रहती है, इंफीरियर या हाफ इंफीरियर रहती है, लेकिन नहीं। जब हम लोग ओवरी की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस केस में, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके इन विद रिस्पेक्ट टू कैलिक्स की प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं। कैलिक्स के मद्देनजर उसका पोजिशनिंग किस प्रकार से हुआ है। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है, हाइपोगाइनस में ये हमारी ओवरी है, ये ओवरी जो है आपके कैलिक्स यानी सेपल से ऊपर है। जब आपकी ओवरी फ्लावर में आपके कैलिक्स से ऊपर हो तो उसे हम हाइपोगाइनस कहते हैं। वेयर द ओवरी इज अ सुपीरियर ओवरी इज नोन एज हाइपोगाइनस, अ सुपीरियर ओवरी। ऑल्सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पेरिगाइनस, सिमिलर वे में पेरिगाइनस क्या था, पेरी यानी हाफ इंफीरियर ओवरी, यानी आपके सेपल्स के बराबरी से या थोड़ी सी कम, इसमें अपन देख सकते हैं थोड़ी सी कम है ये, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो ओवरी है वो आपके सेपल्स के थोड़ी बराबरी में ही है, वो आपके सेपल्स के बराबरी में ही है, उसको कहते हैं पेरिगाइनस, यानी हाफ इंफीरियर ओवरी इज पेरिगाइनस। एपिगाइनस क्या रहता है, एपिगाइनस क्या रहता है, एपिगाइनस माने आपकी जो फ्लावर की ओवरी है वो कंप्लीटली इंफीरियर है, यानी वो सेपल्स के अंडर आ चुकी है, सेपल्स ने पूरी तरह से उनको घेर लिया है, जैसे डॉन को सातों मुल्कों की पुलिस ने घेर लिया है। पिक्चरों में बोलते हैं ना, तुम्हें 11 तुम्हें सभी ओर से 10 दिशाओं से घेर लिया गया है, तुम्हें 10 मुल्क, पता नहीं क्या पिक्चर डायलॉग की भाई, सारे पुलिस ने तुमको आजू बाजू से घेर लिया है, है ना। तो एपिगाइनस में भी वैसे ही होता है कि भाई सेपल्स जो होते हैं, कैलिक्स जो रहता है या आपके जो वो है ना, ये सब जो होते हैं कैलिक्स और सेपल, या कैलिक्स या सेपल, वो आपके ओवरी को सारी ओर से घेर लेते हैं, पूरी तरह से इसके इंफीरियर कर देते हैं, उसको एपिगाइनस कहते हैं। एपी यानी इंफीरियर, कम्प्लीटली इंफीरियर, पेरी यानी आपका इक्वली थोड़ा सा हाफ इंफीरियर टाइप का, और हाइपो यानी सुपीरियर, है ना जी, हाइपो यानी सुपीरियर। यहाँ पे भी डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये जो कैलिक्स है वो आपके ओवरी के नीचे है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओवरी है ये वो थोड़ा सा कैलिक्स के नीचे है, या ओवरी जो है कैलिक्स के लेवल में है। और इस वाले में देख सकते हैं एपिगाइनस में कि कैलिक्स के द्वारा ओवरी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। माइंड यू ये सिर्फ और सिर्फ कैलिक्स या सेपल के मद्देनजर ही है। पेटल्स के आप देखेंगे तो वो सब के सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर पढ़ा जाता है सबको लगता है ये पेटल्स के बाबत बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये सेपल के बाबत बात हो रही है। सेपल के मद्देनजर एपिगाइनस पेरिगाइनस हाइपोगाइनस, सेपल के मद्देनजर। एग्जाम्पल क्या क्या रहेगी इसके, इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल रहेगा आपके मस्टर्ड रोज ब्रिंजल, मस्टर्ड रोज ब्रिंजल। हाफ इंफीरियर का एग्जाम्पल क्या रहेगा, प्लम रोज, पियर और आपका पियर प्लम रोज, पियर और प्लम रोज। आपके एपिगाइनस का एग्जाम्पल रहेगा सनफ्लावर गुआवा कुकुम्बर, सनफ्लावर गुआवा कुकुम्बर, सनफ्लावर गुआवा कुकुम्बर। मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, मैं इसकी अगर ट्रिक की बात करूं कि बहुत ही फेमस ट्रिक है, हमारे गुरुवर केवी सर ने दी है ट्रिक, तो केवी सर को इस ट्रिक के लिए फुल क्रेडिट्स है ना जी। तो हाइपो यानी हाइपोगाइनस में क्या होता है, सुपीरियर ओवरी रहती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या ट्रिक थी कि बच्चों की पढ़ाई जो होती है वो मस्ती, बच्चों जो टॉपर बच्चे रहते हैं, जो टॉपर बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई, उनकी जो मस्त, उनके जो मस्ती भी होती है वो रोज बुक्स के साथ होती है, तो मस्ती रोज बुक्स के साथ। तो सबसे पहले टॉप, टॉप से क्या याद आना चाहिए, टॉपर बच्चे आपको याद आना चाहिए, यानी आपकी जो ओवरी है वो आपके कैलिक्स के टॉप है, तो टॉपर बच्चे से आपको ऐसा याद आना, तो मस्ती से याद आना, मस्टर्ड रोज से याद आना चाहिए, चाइना रोज बुक्स से याद आना चाहिए, ब्रिंजल। हाफ इंफीरियर बच्चे यानी मेरे जैसे बच्चे, ये पेपर के पहले बुक्स खोलते हैं, तो इनकी बुक्स जो होती पेपर पहले, पेपर के पहले खुलती है, तो पियर पी सॉरी पी 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 लिखा है, पी यानी मटर और प्लम रोज है ना जी। और जो इंफीरियर बच्चे रहते, इंफीरियर बच्चे यानी जो बैक बेंचर बच्चे रहते उनको मार्क्स कमाते, वो मार्क्स कमाते, वो भले ही पढ़ाई में कमजोर थे, पढ़ाई में इंफीरियर थे, लेकिन वही स्टूडेंट जो होते हैं गेम चेंजर बनते हैं, वही स्टूडेंट जो होते हैं इंफीरियर बच्चे की स्टूडेंट्स गेम चेंजर बनते हैं, यानी स्टूडेंट एस स्टूडेंट का सनफ्लावर, गेम का गुआवा, चेंजर का कुकुम्बर, चेंजर चेंजर किसी का कुकुम्बर। आई होप मैंने आपको एक ट्रिक समझा दी है कि हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल में क्या आएगा, मस्ती रोज बुक्स यानी मस्टर्ड रोज बीन, फिर उसके बाद आपका पेपर यानी पी प्लम रोज आपके पेरिगाइनस का एग्जाम्पल, और एपिगाइनस का एग्जाम्पल क्या था, सनफ्लावर गुआवा और कुकुम्बर। इस तरह से मैंने आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझा दिया है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगले स्लाइड की तरफ यानी प्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का प्रेजेंटेशन। चलिए तो अभी अपन देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, यानी ओवरी के अंदर अपने ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके अरेंजमेंट को, उसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लेसेंटेशन, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कुछ आपके पांच प्रकार के रहते हैं, मैरिजिनल, स्पराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल और बेजल, या ये जो है ये फ्री सेंट्रल लिखा है, एफ सेंट्रल यानी फ्री सेंट्रल। तो मार्जिनल की बात करते हैं, मार्जिनल में द ओव्यूल्स इज ऑन द मार्जिन ऑफ द ओवरीज, ओवरीज के मार्जिन पर ओव्यूल्स रहते हैं, ये कैसे एविडेंट रहता है, जो अपने जो सीड्स रहते हैं वो ओव्यूल्स में से ही डेवलप होते हैं, वो आगे जाके ओव्यूल्स में के जो ओव्यूल्स में से ही ओव्यूल के अंदर ही डेवलप होते हैं, राइट, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो रहता है उसके अंदर से ही डेवलप होते हैं ना, तो ये सब सीड जो रहते हैं, जैसे अब मटर की फल्ली हो गई, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल रहता है मटर की फल्ली। मटर की फल्ली में कैसा रहता है, जो सीड्स रहते हैं उसके अगर आप देखेंगे ध्यान से बिफोर पीलिंग ऑफ द मटर, आप देखेंगे कि उसके जो सीड्स रहते हैं, जो मतलब थोड़े से छोटे मटर रहते हैं जिसपे सीड्स चिपके हुए रहते हैं, उस पर देखेंगे वो सब मार्जिन पे चिपके हुए हैं, है ना जी, मार्जिन पे चिपके हुए हैं, तो आप उस पर एविडेंट कर सकते हैं कि जो ओव्यूल्स थे वो मार्जिनल थे, इसमें इस केस में जो ओव्यूल्स थे वो मार्जिनल थे, तो ओव्यूल्स आर ऑन दी मार्जिन, है ना जी। एग्जाम्पल मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। पैराइटल की बात करें, पैराइटल की जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक ये था कि भैया ओव्यूल्स जो थे ओवरी के बॉर्डर्स पे थे, बाहर की साइड पे थे,
ओवरी के बाहर की साइड पर थे, मतलब बाहर मतलब ओवरी के बाहर नहीं थे, ओवरी के अंदर ही थे लेकिन ओव्यूल्स के एकदम मार्जिन एकदम इस पे थे, क्या बोलते हैं, बाहर की साइड पे, गोलाकार शेप में, है ना जी। दैट इज द ओव्यूल्स बाहर वाले एरिया में प्रेजेंट रहते हैं पराइटल में, पराइटल में ओव्यूल्स बाहर वाले एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, आर्गेमोन और मस्टर्ड, आर्गेमोन और मस्टर्ड, आर्गेमोन और मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। एग्जाइल, एग्जाइल यानी आपकी नींबू के जैसे, आपने नींबू देखा होगा तो वो कैसे रहते हैं, सेंटर में आपका सारा का सारा एक एक्स शेप बना लेते हैं, वो एक एक्स वाई शेप बना लेते हैं, है ना, एक एक्स वाई शेप, एक वाई शेप बना लेते हैं, एक्स शेप यानी वाई शेप बना लेते हैं वो, इस तरह से एक मर्सिडीज का जैसा शेप रहता है ना, ऐसा इस तरह से शेप बना लेते हैं। जैसे जो नींबू रहता है उसमें ये किस तरह से रहता है नींबू, नींबू का अगर आप देखें तो इसके जो बीज रहते हैं नींबू में, सिट्रस के फ्रूट्स में, जैसे आपका है ना नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनमें सीड जो रहते हैं वो आपके कुछ इधर रहते हैं, किधर, ऐसे रहते हैं, यहाँ पे सेंटर में एक साथ ऐसे रहते हैं, है ना जी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन एग्जाइल, एग्जाइल यानी एक्स फॉर एग्जाइल, एक्स फॉर एक्स शेप बना लेता है, ये एक्स शेप बना लेता है, है ना जी। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये कुछ एक्स शेप ऐसा भी बना रहा है, कुछ लोग बोले कि एक्स शेप बनाता, कुछ लोग बोले मर्सिडीज का जैसा शेप बनाता, कुछ लोग वाई शेप बोलेंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि एक्स शेप जैसी मल्टी लॉक्यूलर स्ट्रक्चर है, एक्स शेप जैसी मल्टी लॉक्यूलर स्ट्रक्चर है। मल्टी लॉक्यूलर कैसे, तो भैया इसमें लॉक्यूल जो है बहुत एक से ज़्यादा है, इसमें जो लॉक्यूल्स है वो एक से ज़्यादा है। एग्जाम्पल सिट्रस, एग्जाम्पल सिट्रस। फ्री सेंट्रल की बात करें, फ्री सेंट्रल की बात करें कि यहाँ पे जो ओव्यूल्स रहते हैं ओवरी में फ्री पड़े रहते हैं, ओवरी में सेंटर में फ्री पड़े रहते हैं, यहाँ के जो ओव्यूल्स रहते हैं वो सेंटर में ओव्यूल जो होते हैं ओवरी के सेंटर में फ्री पड़े हुए रहते हैं, फ्री सेंटर में, है ना जी। एग्जांपल क्या है, प्रिमरोज डायंथियस और प्रिमरोज और डायंथियस। बेजल में क्या रहता है, बेस से अटैच रहते हैं, बेजल में क्या होता है जो ओव्यूल्स रहते हैं वो ओवरी के बेस से अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल बेजल का जो रहेगा आपका सनफ्लावर और आपका मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड यानी अपने गेंदे का फूल, अपने गेंदे का फूल आप देख सकते हैं, गेंदे का फूल अगर आप पूरी तरह से उसको आप आधा काटेंगे, मतलब छुरी लेके उसको ऐसा काटिए आधा, तो आपको दिखेगा कि नीचे अगर आप देखेंगे तो एक व्हाइटिश वो होता, वो उसका ओव्यूल रहता है जो बेस पे कनेक्टेड रहता है, उसके जो जहाँ से अपन सुई घुसाते हैं ना वहाँ पे कनेक्टेड रहता है वो, नीचे बेसल पार्ट पे, बेस के पार्ट पे वहाँ उसका ओव्यूल कनेक्टेड रहता है, व्हाइटिश कलर का थोड़ा बॉल शेप रहता है वो, है ना। उसको आप ऑब्जर्व बहुत ही क्लियरली कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकली एक गेंदे के फूल को ऐसा काटेंगे तो, है ना जी। तो ये बेजल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल, पराइटल और एग्जाइल हो गया। मार्जिनल क्या, द ओव्यूल्स आर ऑन द मार्जिन, फिर पराइटल क्या, द ओव्यूल्स बाहर वाले एरिया पे रहते हैं, एग्जाइल में एक्स शेप मल्टी लॉक्यूलर रहता है, फ्री सेंट्रल में सेंट्रल में फ्री पड़े ओव्यूल्स रहते हैं, और आपके बेजल में बेस पे अटका हुआ ओव्यूल रहता है। मार्जिनल का एग्जाम्पल है ओव्यूल्स, अपने मार्जिनल का एग्जाम्पल है मटर, फिर उसके बाद पराइटल का एग्जाम्पल है आपके प्रिमरोज और आर्गेमोन और आपके आर्गेमोन मस्टर्ड आपके पराइटल के एग्जांपल है, फिर लोक्यूलर आपके सॉरी एग्जाइल के एग्जांपल आपका सिट्रस रहेगा, फ्री सेंट्रल का एग्जांपल आपका प्राइमरोज डायंथस रहेगा, और आपका बेजल का एग्जांपल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड रहेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, ये इसके डायग्राम्स को एक बार अपन देखते हैं। यही डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, है ना जी। एक सेकेंड, इसके एग्जांपल की बात करें तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल मटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मटर के दाने किस तरह से मार्जिन पर लगे हुए हैं, आपके ओव्यूल जो है आपके ऊपरी के मार्जिन पर लगे हैं। एग्जाइल प्रेजेंटेशन आपके सिट्रस का, जैसे नींबू के वो रहते तो वो कैसा एक आपका टेक्स्ट के हिसाब से एक्स शेप फॉर्म करते, पर मुझे ये एक्स शेप लगता नहीं है, उल्टा मुझे मर्सिडीज का शेप लगता है या स्टेरिंग व्हील का शेप लगता है, वैसा शेप फॉर्म करता है ये। सेंटर में सारे जो मल्टी लॉक्यूलर रहते हैं, ये इसको जो कहते हैं, ये जो मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो मैं अब रेड मार्किंग करूँगा, ये है आपके लॉक्यूल्स, ये लॉक्यूलर ये रहते हैं, है ना जी। ये लॉक्यूलर मल्टी लॉक्यूलर सिट्रस सिट आपका एग्जाइल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल रहते हैं वो मल्टी लॉक्यूलर रहते हैं, एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो सब। पराइटल में क्या रहते हैं, ये सब जो होते हैं आपके ओवरी के बाहर से रहते हैं, ओवरी के बाहर से रहते हैं, एंड से रहते हैं, है ना जी, एंड से रहते हैं, है ना।
पैराइटल प्रेजेंटेशन में, एग्जांपल एग्रीमोज और मस्टर्ड। फ्रिप्स प्रेजेंटेशन में फ्री सेंटर में क्या होता है, सेंटर में फ्री पड़े हुए रहते हैं, सेंटर में फ्री पड़े हुए रहते हैं, एग्जांपल प्राइमरोज डायंथस। प्लस बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये जो ओव्यूल रहता है वो बेस में अटका हुआ रहता है, बेस पे अटका हुआ रहता है इस तरह से, एग्जांपल सनफ्लावर और मरीगोल्ड। अब ये हो गया कंसेप्ट अपना प्रेजेंटेशन का। मार्जिनल का कैसे याद रखना, एम फॉर मार्जिनल एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल एम फॉर मटर। एक्साइल का क्या याद रखना, एक्साइल प्रेजेंटेशन का क्या रखना, ए सी ए सी एफ एम एम। फिर इसके बाद इसका एक्साइल का याद रखना सिट्रस, ए सी सिट्रस। फिर उसके बाद पराइटल का क्या याद रखना, पराइटल का याद रखना उसका नाम याद रखना परम, परम परम। कैसे याद रखेंगे, पराइटल का पर, आपका एग्रीमोस का अ, मस्टर्ड का म, परम। फ्री सेंट्रल का कैसे याद रखेंगे, फ्री सेंट्रल का याद रखेंगे पीडीएफ, पी डी एफ। प्राइमरोज डायंथस फ्री सेंट्रल, प्राइमरोज डायंथस फ्री सेंट्रल। बेसल प्रेजेंटेशन का क्या याद रखेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंटेशन का नाम अपने को याद रखना है तो क्या करेंगे अपन, अपन इसको याद रख सकते सांबा, सांबा करके याद रख सकते, एस एम बी ए सांबा, सांबा दैट इज सनफ्लावर मस्टर्ड बेसल। आई होप मैंने आपको ये ट्रिक समझा दी है कैसे याद रखनी है, एकदम ऑन द स्पॉट ट्रिक बनाई है, आपको क्लियर हो जाए आशा करता हूँ। अब आते हैं फॉल सेप्टम, लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का, फॉल सेप्टम। फॉल सेप्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, मस्टर्ड और एग्रीमोन में क्या होता है, एक ही चेंबर रहता है, मस्टर्ड एग्रीमोन में क्या होता है एक ही चेंबर होता है, पर उनके फॉल्स चेंबर की वजह से वो उनमें दो चेंबर्स अपीयर होते हैं। अपन ने मस्टर्ड और एग्रीमोन कहा देखा था, मस्टर्ड और एग्रीमोन जो था अपना वो अपने को यहाँ दिखा था, क्या कहते हैं आपके पराइटल में दिखा था अपने को, राइट पराइटल में दिखा था, एंड पे रहते, तो अपने क्या लगता है फॉल्स सेप्टम है नहीं, उसको दो उसमें वो होगी, लेकिन नहीं उसमें सिर्फ एक ही वो रहती, उसमें कोई सेप्टम रहता नहीं है, उसमें कोई भी आपका सेपरेशन नहीं रहती, उसमें एक भी सेपरेशन नहीं रहती, उसमें सिर्फ आपके बिना फॉल्स चेंबर की वजह से दो चेंबर्स अपने को दिखते हैं, लेकिन उसमें कोई सेपरेशन जैसी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स सेप्टम के एग्जांपल मस्टर्ड और एग्रीमोन रहेगा। आई होप आपको ये सब लेक्चर आपको आज का समझ आ गया होगा, आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने फ्लावर के एंडोशियम गाइनोशियम वाला सेक्शन पूरा खत्म किया, कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, कल के लेक्चर में अपन ने वो कैलिक्स करोला और उसके सब पार्ट्स के बारे में अपन ने किया था, राइट। और कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सीड फ्रूट और आपके मोनोकॉट डायकॉट सीड के बारे में देखेंगे, और उसके अगले लेक्चर यानी आखिरी आठवां या नौवां लेक्चर जो रहेगा आपका वो आपके फैमिलीज के ऊपर रहेगा, है ना जी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके लेक्चर आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए, इसके नोट्स बनाइए, MCQ सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए, ये डायग्राम जो है पेंसिल से बनाइए जिससे आपको ये याद रहे, इसके नोट्स लिखिए, याद करके रखिए, एग्जांपल्स की ट्रिक के सगट बुक में लिखिए, जब ट्रिक लिखेंगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको ये दिमाग में एकदम ऐसा ब्रशअप होना चाहिए, इस तरह का रिवीजन करे, है ना जी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में ज्वाइन होने हेतु, बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर।